हेलो हेलो, डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप देखेंगे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में बताया था। परफॉर्मेंस, ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए जनरली आप दो पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन इफिशियंसी और दूसरा होता है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो क्लास में मैं आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था जिसकी वजह से आप लोग चीज़ें भूल गए होंगे। तो अभी तीन लेक्चर मैंने आपको जो भी मुझे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को निकालने के लिए पैरामीटर की ज़रूरत थी, उन सारी चीज़ों को मैंने आपको रिकॉल करा दिया है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल कैसा होता है, ए बी सी डी पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आपका क्लास में कंप्लीट हो चुका था। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। पहले मैं आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। पहला पॉइंट होगा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो ए ट्रांसमिशन लाइन इज सेड टू बी ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड लेंथ इज ग्रेटर देन 4000 हर्ज किलोमीटर एंड लेस देन 12000 हर्ज किलोमीटर। एक ट्रांसमिशन लाइन आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन तभी कहलाएगी जब उस ट्रांसमिशन लाइन में फ्रिक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 हर्ज किलोमीटर से ज़्यादा होगा और 12000 हर्ज किलोमीटर से छोटा होगा। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन के लेंथ के अकॉर्डिंगली मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को डिफाइन करूँ, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज ग्रेटर देन 80 किलोमीटर एंड लेस देन 240 किलोमीटर। एक ट्रांसमिशन लाइन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन तभी कहलाएगी जब लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से ज़्यादा हो और 240 किलोमीटर से कम हो। इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल वी कंसीडर ओनली सीरीज पैरामीटर दैट इज आर एंड एल एंड शंट पैरामीटर दैट इज द कैपेसिटर। तो जब भी हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाएंगे तब हम जो है सीरीज पैरामीटर में आर और एल को कंसीडर करेंगे और शंट पैरामीटर में कैपेसिटर को क्या करते हैं बेटा, कंसीडर करते हैं। इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल द इफेक्ट ऑफ जी कैन बी निगलेक्टेड, कंडक्टेंस के इफेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं कैपेसिटर में वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, जिस वजह से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप जी के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल इज कंसिडर्ड एज ए आर एल सी लम्ब्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल। तो जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल होता है वो आपका कैसा होता है बेटा, आरएलसी नेटवर्क होता है और ये आरएलसी नेटवर्क आपका कैसा होता है, लम्ब्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आप लाइन के इंटायर कैपेसिटर को आप जो है एक जगह पे लोकेट करते हैं या फिर दो जगह पे लोकेट करते हैं। इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द इंटायर कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई वन कैपेसिटर और टू कैपेसिटर। ठीक है, आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आपको जो है चार अप्रॉक्सीमेट मॉडल बताए थे। पहला मॉडल मैंने आपको बताया था लोड कंडेंसर मॉडल। लोड कंडेंसर मतलब जो आपका कंडेंसर मींस यहां पर क्या है, कैपेसिटेंस, मतलब लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो लोड साइड पे लगा हुआ है या फिर कंसंट्रेट है। लोड साइड का मतलब रिसीविंग इनमें, तो दैट इज आल्सो नोन एज ए इंड
कैपेसिटर मॉडल या फिर इंड कंडेंसर मॉडल। तो आप देखेंगे कि इस मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटर को केवल एक ही कैपेसिटेंस से क्या कर रहे हैं बेटा, रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरा अप्रॉक्सिमेट मॉडल हो सकता है सोर्स कंडेंसर मॉडल या फिर सोर्स कैपेसिटर मॉडल। इस मॉडल में आप ट्रांसमिशन लाइन के टोटल कैपेसिटर को सोर्स के पास क्या करते हैं, दैट इज कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इस मॉडल में भी आप लाइन के आप टोटल कैपेसिटेंस को सोर्स साइड पे क्या करें, कंसंट्रेट करें, तो दैट इज आल्सो नोन एज ए वन कैपेसिटर मॉडल। अगर मैं बात करूं, एक मॉडल मैंने आपको बताया था नॉमिनल टी मॉडल। नॉमिनल टी मॉडल में जो लाइन का टोटल कैपेसिटेंस होता है वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन के सेंटर पे या फिर मिडिल पे कंसंट्रेट होता है। तो आप देखेंगे इस मॉडल में भी आपने लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को एक ही कैपेसिटर से क्या किया है बेटा, रिप्लेस किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो मॉडल है नॉमिनल टी मॉडल भी वन कैपेसिटर मॉडल है। और लास्ट मॉडल की अगर मैं बात करूं जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस के लिए, दैट इज नॉमिनल पाई मॉडल, ठीक है। नॉमिनल पाई मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटर में से आधा कैपेसिटर सेंडिंग इन में कंसंट्रेट करते हैं और आधा कैपेसिटर आप जो है रिसीविंग इन में कंसंट्रेट करते हो। तो आप देखेंगे कि नॉमिनल पाई मॉडल में आपने लाइन के टोटल कैपेसिटर्स को दो भागों में ब्रेक कर दिया। आधा कैपेसिटर आपने कंसंट्रेट किया है सेंडिंग इन साइड पे और आधा कैपेसिटर कंसंट्रेट किया है आपने रिसीविंग इन साइड पे। तो आप देखेंगे कि इसको इस मॉडल में, दैट इज द नॉमिनल पाई मॉडल में आपके कितने कैपेसिटेंस आप यूज कर रहे हैं, टोटल इंटायर कैपेसिटेंस को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टू कैपेसिटर मॉडल। तो आप देखेंगे जब भी आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाएंगे तो लाइन के टोटल कैपेसिटर को आप जो है क्या करते हैं बेटा, या तो एक कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं या फिर दो कैपेसिटेंस से क्या करते हैं, रिप्लेस या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखेंगे बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द शंट कैपेसिटर, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ शंट कैपेसिटर देयर आर फोर अप्रॉक्सिमेट मॉडल या फिर सर्किट पॉसिबल फॉर द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। आप देखेंगे शंट कैपेसिटर की लोकेशन के हिसाब से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के चार अप्रॉक्सिमेट मॉडल आप बना सकते हैं। पहला मॉडल मैंने जैसे आपको बताया, दैट इज कॉल्ड इंड कंडेंसर मॉडल या फिर इंड कैपेसिटर मॉडल या फिर लोड कंडेंसर मॉडल, जो कि आपका कितने कैपेसिटर मॉडल होता है, वन कैपेसिटर मॉडल होता है। और इस मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को लोड पे या फिर रिसीविंग इंड पे क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। दूसरा आपका होगा सोर्स कंडेंसर मॉडल या फिर सोर्स कैपेसिटर मॉडल, इसमें आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को सेंडिंग इन पे कंसंट्रेट करते हैं या फिर सोर्स के पास कंसंट्रेट करते हैं, और ये भी आपका कैसा मॉडल होता है बेटा, वन कैपेसिटर मॉडल होता है। तीसरा मॉडल जो होगा दैट इज कॉल्ड नॉमिनल टी मॉडल। इन नॉमिनल टी मॉडल आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को आप क्या करते हैं बेटा, सेंटर पे या फिर मिडिल पे कंसंट्रेट करते हैं। तो नॉमिनल टी मॉडल को आप मिडिल कंडेंसर मॉडल भी बोलते हैं, जो कि आल्सो वन कैपेसिटर मॉडल होता है। और लास्ट आपका होगा नॉमिनल पाई मॉडल, और नॉमिनल पाई मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं और आधे कैपेसिटेंस को आप क्या करते हैं, सेंडिंग इन पे कंसंट्रेट करते हैं और आधे कैपेसिटेंस को आप रिसीविंग इन पे कंसंट्रेट करते हैं, तो दैट इज आल्सो नोन एज ए स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल। यहां पर आपने लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर दिया, और इस मॉडल को आप टू कैपेसिटर मॉडल भी बोलते हैं। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए, इन सारे बेसिक पॉइंट्स को मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, नेक्स्ट है बेटा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। पहला पॉइंट मैंने बोला इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, फर्स्ट पॉइंट आई कैन बी कंसंट्रेट, यहां पर मैं बोल रहा हूं पहला पॉइंट बेटा, जो चीज मैं आपको लिखा रहा हूं बोर्ड पे वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बोल भी रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड में देखने में कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं उन चीजों को सुन के भी आप लिख सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, या फिर देखने में दिक्कत आ रही है। बेटा जो चीज मैं आपको लिखाता हूं बोर्ड पे उसको मैं साथ साथ बोलता भी जाता हूं, क्योंकि देखिए बेटा लॉकडाउन चल रहा है
और यहाँ पर जो भी चीज़ें अपने पास मैनेज है उन्हीं से मैं काम चला रहा हूँ, क्योंकि कोई मार्केट खुला नहीं है जिससे हम अभी कैमरा अरेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा आपकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, सारी की सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कॉपरेट करिए, मैं जो भी चीज़ बोर्ड पर लिखता हूँ उसको मैं साथ साथ बोलता भी जाता हूँ, तो अगर आपको दिखाई नहीं देता तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उससे आप चीज़ें अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज लिखेंगे इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला था, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर, ग्रेटर देन 4000 हर्ट्ज किलोमीटर एंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ इज ग्रेटर देन 4000 हर्ट्ज किलोमीटर एंड लेस देन, लेस देन 12000 हर्ट्ज किलोमीटर, ठीक है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा होना चाहिए। तो जो आपकी लाइन की लेंथ है और जो सिग्नल आप उससे ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन से, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा होना चाहिए। तो जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है वो किस कैटेगरी में आएगी बेटा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। दैट इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो बेटा 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से बड़ा होना चाहिए और 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंगली डिफाइन करूं तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कैन बी डिफाइंड इफ द लेंथ ऑफ द लाइन इज ग्रेटर देन 80 किलोमीटर एंड लेस देन 240 किलोमीटर, तब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को क्या बोल सकते हैं बेटा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, द मीडियम, द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड, इज डिफाइंड एज, इफ डिफाइंड एज, इफ द लेंथ ऑफ द लाइन, द लेंथ ऑफ द लाइन इज ग्रेटर देन 80 किलोमीटर एंड लेस देन 240 किलोमीटर। तो अगर लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंगली आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को डिफाइन करेंगे तो मीडियम, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन तभी कहलाएगी जब लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से बड़ी होगी और 240 किलोमीटर से छोटी होगी, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन वी आर ओनली कंसीडर्ड दैट इज सीरीज पैरामीटर आर एंड एल एंड शंट पैरामीटर सी कैन बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तीसरा पॉइंट है बेटा, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ओनली, ओनली सीरीज पैरामीटर्स R and L, R and L and shunt parameter, shunt parameter
दैट इज सेंट पैरामीटर में क्या कंसीडर करते हैं, सी सेंट पैरामीटर सी इज कंसीडर्ड, सी इज कंसीडर्ड, ठीक है। सेंट पैरामीटर में केवल कैपेसिटर के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे द इफेक्ट ऑफ जी इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्ट ऑफ जी इज निगलेक्टेड बिकॉज वेरी वेरी स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, बिकॉज इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द वेरी वेरी स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज आर वेरी स्मॉल। इसलिए आप जी के इफेक्ट को संट ब्रांच में क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल की, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एक आरएलसी सर्किट को रिप्रेजेंट करता है जो कि लंप्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा जगह नहीं है तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं। तो जो आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल की अगर बात करें तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए आर एल सी दैट इज लंप्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल इज कंसीडर्ड आर एल सी लंप्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल कैन बी कंसीडर्ड द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल can be considered RLC lumped or concentrated model। आपका जो है जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है दैट इज कंसीडर्ड एज ए कैन बी कंसीडर्ड एज ए आर एल सी लम्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल और नेटवर्क, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो लाइन का जो इंटायर कैपेसिटेंस होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, आप क्या करते हैं लाइन के टोटल या फिर इंटायर कैपेसिटर को वन या फिर दो कैपेसिटेंस से आप क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल the entire capacitor of the transmission line can be represented in the medium transmission line model, the entire capacitor of transmission line can be represented by a one capacitor or two capacitor
टू कैपेसिटर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाऊंगा तो उस मॉडल में या तो ये लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर से रिप्रेजेंट होगा या फिर मैक्सिमम दो कैपेसिटर से जो है रिप्रेजेंट होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ शंट कैपेसिटर, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ शंट कैपेसिटर देयर आर फोर अप्रॉक्सीमेटेड मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आर पॉसिबल, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ शंट कैपेसिटर देयर आर फोर अप्रॉक्सिमेट मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आर पॉसिबल। तो चार मॉडल आप जो है शंट कैपेसिटर की लोकेशन के हिसाब से मीडियम ट्रांसमिशन के चार अप्रॉक्सिमेट मॉडल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये सारे मॉडल कैसे होंगे बेटा, लम्ब्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होने वाले हैं। अगर मैं पहले मॉडल की बात करूं, पहला मॉडल बेटा क्या होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड लोड कंडेंसर मॉडल, ठीक है। लोड का मतलब बात कर सकते हैं रिसीविंग एंड की बात कर सकते हैं, कंडेंसर मीन्स कैपेसिटर, मतलब लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कहां पर कंसंट्रेट है बेटा, रिसीविंग एंड में। तो दैट इज लोड कंडेंसर मॉडल, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा एंड कंडेंसर मॉडल, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं बेटा जो कैपेसिटर है लाइन का टोटल कैपेसिटेंस वो कहां पर कंसंट्रेट है बेटा, एंड पे, दैट इज आल्सो नोन एज बेटा एंड कैपेसिटर मॉडल। और बेटा इस मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को केवल एक ही कैपेसिटेंस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज वन कैपेसिटर मॉडल। ये आपका कैसा मॉडल है बेटा, वन कैपेसिटर मॉडल है। अगर मैं दूसरे मॉडल की बात करूं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, तो दैट इज सोर्स कंडेंसर मॉडल। मतलब आपका जल लाइन का टोटल कैपेसिटेंस है वो सोर्स या फिर सेंडिंग इन पे क्या है, कंसंट्रेट है। दिस इज नथिंग बट ए सोर्स कैपेसिटर मॉडल। और इस मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को कहां पर कंसंट्रेट करते हैं बेटा, सेंडिंग इन के पास कंसंट्रेट करते हैं। और ये भी कैसा मॉडल होगा बेटा, वन कैपेसिटर मॉडल, दिस इज आल्सो ए वन कैपेसिटर मॉडल। अगर मैं बेटा तीसरे मॉडल की बात करूं तो तीसरा आएगा बेटा नॉमिनल टी मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को कहां पर कंसंट्रेट करते हैं बेटा, सेंटर या फिर मिडिल पे, ट्रांसमिशन लाइन के मिडिल पे या फिर सेंटर पे कंसंट्रेट। दिस इज कॉल्ड मिडिल कंडेंसर मॉडल, दिस इज नोन एज ए मिडिल कंडेंसर मॉडल। और इस मॉडल में भी आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को एक ही कैपेसिटर से क्या कर रहे हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ए वन कैपेसिटर मॉडल। आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को लाइन के सेंटर पे या फिर मिडिल पे क्या कर देंगे, कंसंट्रेट कर देंगे। अब बेटा मेरे पास जगह नहीं तो बेटा मैं ऊपर लिख देता हूं, फोर्थ मॉडल की अगर मैं बात करूं, दैट इज नॉमिनल पाई मॉडल।
लास्ट मॉडल जो होगा बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ संट कैपेसिटर, चौथा मॉडल जो पॉसिबल है दैट इज नॉमिनल नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नॉमिनल पाई मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस में से टोटल कैपेसिटेंस को दो इक्वल कैपेसिटेंस पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और आधे कैपेसिटेंस टोटल कैपेसिटेंस के आधे कैपेसिटेंस को आप सेंडिंग इन पे कंसंट्रेट करते हैं और आधे कैपेसिटेंस को आप रिसीविंग इन पे क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स एंड हाफ ऑफ द पार्ट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड एंड हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज बेटा टोटल कैपेसिटेंस दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल, स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल। और बेटा इसमें आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो इस मॉडल में कितने कैपेसिटेंस आप शो करेंगे, टू कैपेसिटर मॉडल। ये कैसा मॉडल होगा बेटा, टू कैपेसिटर मॉडल। ठीक है, टू कैपेसिटर मॉडल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को या तो एक कैपेसिटर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दो कैपेसिटर से क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके जो है अगर स्टडी की बात की जाए तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास तीन मॉडल हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला आपके पास होगा लोड कंडेंसर मॉडल जिसको एंड कंडेंसर मॉडल बोलते हैं, दूसरा होगा आपका नॉमिनल टी मॉडल और तीसरा होगा नॉमिनल पाई मॉडल। ठीक है, तो ये तीन मॉडल आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सारे के सारे मॉडल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चार मॉडल हैं, अब हम एक एक करके आपके चारों मॉडल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हर एक मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस पैरामीटरों को मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, साथ ही साथ फेजर डायग्राम्स को भी हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल टी मॉडल, फिर नॉमिनल पाई मॉडल, फिर आपके पास लोड कंडेंसर मॉडल या फिर एंड कंडेंसर मॉडल, लास्ट अपना होगा सोर्स कंडेंसर मॉडल या फिर सोर्स कैपेसिटर मॉडल। इस सीक्वेंस में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं और हम लोग यहां पर डिस्कस भी करेंगे कि जब मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करूंगा तो इन सभी मॉडल में सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो है देखेंगे कि जब भी हम लोग जो है लोड फ्लो एनालिसिस एनालिसिस पढ़ेंगे तो उनमें से सबसे बेटर मॉडल कौन सा होने वाला है जिसको कि मैं आगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करने वाला हूं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए। तो बेटा नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला मॉडल दैट इज नॉमिनल टी मॉडल ऑफ दैट इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग होगी, पहले मॉडल को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, और पहला मॉडल है नॉमिनल टी मॉडल। ठीक है, तो हेडिंग बेटा डाल लीजिए नॉमिनल टी मॉडल या फिर उसी को बोलते हैं बेटा मिडिल कंडेंसर मॉडल। ठीक है, और इस मॉडल में आपके लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है दैट इज कंसंट्रेट ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और बेटा लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस है उसमें से हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग एंड साइड एंड हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग एंड साइड। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट बेटा हेडिंग होने वाली है बेटा अपने पास दैट इज नॉमिनल टी मॉडल। पहला मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमिनल नॉमिनल टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नॉमिनल टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब आप देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का पहले हम लोग इसकी परफॉर्मेंस को जो है कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसका मॉडल बनाना पड़ेगा। आप देखेंगे जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है वो कैसा नेटवर्क होता है बेटा, आरएलसी लम्ब्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। ठीक है, तो इस मॉडल को बनाने के लिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल को बनाने के लिए मैं लाइन के रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को ही क्या करने वाला हूं, कंसीडर करने वाला हूं। और नॉमिनल टी मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को लाइन के सेंटर या फिर मिडिल पे कंसंट्रेट करते हैं, हाफ ऑफ द लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग एंड साइड
इनसाइड एंड हाफ ऑफ द लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इनसाइड। इसका मतलब कि जो लाइन का टोटल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इनसाइड एंड हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इनसाइड। सीरीज पैरामीटर की वजह से लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस मिलता है। तो आप देखेंगे अगर हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस और हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इनसाइड ड्यू टू द हाफ रेजिस्टेंस एंड हाफ इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, हाफ ऑफ द इंपीडेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इनसाइड एंड हाफ ऑफ द इंपीडेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इनसाइड। एंड बेटा जो लाइन का टोटल कैपेसिटेंस, शंट ब्रांच का आप क्या लिखने की कोशिश करते हैं, एडमिटेंस, एंड टोटल एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। एक चीज मैं आपको यहां पर मैं बताऊंगा, मैंने आपको बताया था कि RLCG जो कि ट्रांसमिशन लाइन के मॉडलिंग पैरामीटर होते हैं और ABCD जो कि आपके एनालिसिस पैरामीटर होते हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर पर फेज डिफाइन होते हैं। तो जब भी आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाएंगे या फिर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करने के लिए इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाएंगे जो कि ABCD और RLCG पर फेज डिफाइन होते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाएंगे वो कैसा होगा, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल होने वाला है। तो यहां पर जो भी मैं मॉडल बनाने वाला हूं, नॉमिनल टी मॉडल कैसा होता है वो हम लोग देखने वाले हैं, और जो भी मैं मॉडल बनाऊंगा ट्रांसमिशन लाइन का वो कैसा होगा बेटा, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल होने वाला है। तो आप देखेंगे नॉमिनल टी मॉडल में आप लाइन के टोटल रजिस्टर और टोटल इंडक्टेंस में से हाफ ऑफ द रजिस्टर एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इनसाइड, हाफ ऑफ द रजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इनसाइड, क्योंकि लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कहां पर कंसंट्रेट है, मिडिल पे। मिडिल में अगर आपका कैपेसिटेंस कंसंट्रेट है तो आधी लाइन सेंडिंग इनसाइड पे और आधी लाइन रिसीविंग इनसाइड में है। आधी ट्रांसमिशन लाइन की वजह से आधा रजिस्टेंस और आधा इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इनसाइड, हाफ ऑफ द रजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इनसाइड। तो अब नॉमिनल टी मॉडल में जो लाइन का टोटल कैपेसिटेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द लाइन एंड हाफ ऑफ द रजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इनसाइड एंड हाफ ऑफ द रजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। और लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है बेटा, लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ नॉमिनल टी मॉडल। ठीक है, तो नॉमिनल टी मॉडल में लाइन का जो हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस है और हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इनसाइड, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इनसाइड, और बेटा लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इनसाइड। इन सीरीज पैरामीटर की वजह से हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस जो कि सीरीज पैरामीटर है उसकी वजह से आप बोल सकते हैं इन नॉमिनल टी मॉडल में सीरीज पैरामीटर की वजह से सीरीज इंपीडेंस आएगा, और शंट पैरामीटर का आप क्या लिखने की कोशिश करेंगे, एडमिटेंस लिखना पसंद करेंगे। तो आप देखेंगे बोल सकते हैं हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस की वजह से हाफ ऑफ द टोटल सीरीज इंपीडेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इनसाइड एंड हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस की वजह से हाफ ऑफ द सीरीज इंपीडेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इनसाइड। और बेटा शंट ब्रांच का आप क्या लिखने की कोशिश करेंगे, एडमिटेंस, क्योंकि शंट ब्रांच में आपको करंट निकालना होता है, और बेटा आप देखेंगे करंट इज प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस, अगर एडमिटेंस लिखें तो करंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो शंट ब्रांच में कैपेसिटर लगा है और टोटल कैपेसिटेंस की वजह से टोटल एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो आप बोल सकते हैं इन नॉमिनल टी मॉडल में हाफ ऑफ द इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इनसाइड, हाफ ऑफ द इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इनसाइड एंड दैट इज टोटल शंट एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। नाउ दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन, इसको बोल रहे हैं बेटा सेंडिंग इन, इसको बोल रहे हैं बेटा रिसीविंग इन, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा रिसीविंग इन,
दिस इज रिसीविंग इंड. सेंडिंग इन वोल्टेज को बेटा आप रिप्रेजेंट करते हैं Vs से. नाउ सेंडिंग इन वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई Vs. सेंडिंग इन वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई Vs एंड सेंडिंग इन करेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई Is. दिस इज Is. रिसीविंग इन वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई Vr. ठीक है, रिसीविंग इन वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई Vr एंड रिसीविंग इन करेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई Ir. ठीक है. नाउ ये जो मैंने मॉडल बनाया है बेटा, ये कौन सा मॉडल है बेटा? दैट इज पर फेज, क्योंकि आर एल सी कैसे डिफाइन है बेटा? पर फेज डिफाइन है. तो जो आप मॉडल भी बनाएंगे वो भी कैसा होगा बेटा? पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल. और ये मॉडल आपका कैसा है बेटा? लम्ड या फिर कंसंट्रेटेड. दिस इज द लम्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल. कंसंट्रेटेड मॉडल. ठीक है. नाउ आप देखेंगे कि यहां से जो आपका सेंडिंग इन करंट है, सेंडिंग इन करंट फ्लो करते करते इस नोड पे आएगा, और इस नोड पे आने के बाद ये जो सेंडिंग इन करंट है वो इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा. कैपेसिटर से जो करंट पास करेगा उसको हमेशा बोलते हैं चार्जिंग करंट, क्योंकि ये करंट कैपेसिटर को चार्ज करेगा, और बाकी का जो करंट होगा वो आपका रिसीविंग इन पे चला जाएगा. इसलिए उसको क्या बोलेंगे बेटा? रिसीविंग इन करंट बोलने वाले हैं. ठीक है. तो सेंडिंग इन करंट कैन बी स्प्लिट इन टू पार्ट, दैट इज चार्जिंग करंट एंड दैट इज द रिसीविंग इन करंट. यहां पर आप एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, इन नॉमिनल टी मॉडल जो सेंडिंग इन करंट होगा दैट इज नथिंग बट द फेजर एडिशन ऑफ रिसीविंग इन करंट प्लस चार्जिंग करंट. अगर रिसीविंग इन करंट के फेजर में आप चार्जिंग करंट के फेजर को ऐड कर देंगे तो इनका रिजल्टेंट फेजर क्या होगा बेटा? सेंडिंग इन करंट के बराबर होने वाला है. ठीक है. अच्छा, इस ये जो मॉडल है वो कैसा बेटा? पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल. तो दिस इज नथिंग बट द, जो भी आप एनालिसिस करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो कैसे करते हैं? पर फेज, क्योंकि आर एल सी और ए बी सी डी पैरामीटर पर फेज डिफाइन होते हैं. तो जब भी मैं एनालिसिस करूंगा तो कौन सा मॉडल होगा? पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल. तो दिस इज द पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ नॉमिनल टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है. नाउ दिस इज द पर फेज इलेक्ट्रिक. पर फेज का मतलब यहां पर जो सेंडिंग इन वोल्टेज है उसका आपने कौन सा वोल्टेज लिखा बेटा? उस वोल्टेज को आपने फेज वोल्टेज के टर्म लिखा. जो भी करंट होगा यहां पर सेंडिंग इन करंट किसके टर्म में लिखा बेटा? पर फेज करंट के, फेज करंट के फॉर्म में लिखा. यहां पर आपने रिसीविंग इन वोल्टेज को पर फेज वोल्टेज के टर्म में लिखा है, और जो रिसीविंग इन करंट है उसको भी पर फेज रिसीविंग करंट, मतलब आपने रिसीविंग करंट की फेज करंट की वैल्यू यहां पर लिखी है. तो आप देखेंगे यहां पर जो आपका सेंडिंग इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल में ये जो वोल्टेज है, सेंडिंग इन वोल्टेज को आपने किसके टर्म में लिखा बेटा? फेज वोल्टेज. तो दिस इज डिफाइंड द पर फेज. यहां पर सेंडिंग इन वोल्टेज के वोल्टेज की वैल्यू किसके टर्म में लिखी बेटा? फेज वोल्टेज. यहां पर जो सेंडिंग इन करंट है उसकी वैल्यू आपने किसके टर्म में लिखी बेटा? फेज करंट के टर्म में. ये सेंडिंग इन करंट भी कैसा बेटा? पर फेज डिफाइंड है. रिसीविंग इन वोल्टेज को भी बेटा यहां पर आपने किसके टर्म में लिखा बेटा? फेज वोल्टेज के टर्म में लिखा है. नाउ दिस इज द पर फेज. और बेटा जो रिसीविंग इन करंट है उसको भी आपने किसके टर्म में लिखा है बेटा? फेज करंट के टर्म में लिखा है. दिस इज द पर फेज. दिस इज पर फेज. ठीक है. अब यहां पर मैं लोड भी लगा देता हूं ट्रांसमिशन लाइन में. नाउ आई कैन बी कंसीडर ए लोड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन. तो आप देखेंगे लोड आप हमेशा कहां पर लगाते हैं? रिसीविंग इन पे लगाते हैं. तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए लोड इज कनेक्टेड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन. तो बेटा मैंने लोड लगा दिया है. आप देखेंगे लोड के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज, लोड का टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर हो बेटा? Vr के बराबर होगा. तो लोड टर्मिनल वोल्टेज इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज. और बेटा जो लोड से आपका करंट पास करेगा, जो रिसीविंग इन करंट होगा वही पूरा का पूरा करंट किससे पास कर जाएगा? लोड से पास कर जाएगा. तो लोड करंट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट. लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, दैट इज लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा
वो किसके बराबर होगा? लोड वोल्टेज इज नथिंग बट द रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो आप देखेंगे अगर आप लोड के पावर फैक्टर को बात करें, पावर फैक्टर क्या होता है, किसी भी लोड का पावर फैक्टर निकालना है तो लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच के एंगल का कोसाइन। तो आप देखेंगे लोड के जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है VR और टर्मिनल करंट कितना है IR। तो लोड का अगर आप पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं तो लोड का टर्मिनल वोल्टेज है VR और लोड का टर्मिनल करंट है IR। VR और IR के बीच के एंगल का कोसाइन, दैट इज VR और IR के बीच का एंगल कितना होगा, दैट इज फाई आर विल बी देयर। इस एंगल का अगर मैं कोसाइन ले लूंगा तो दैट इज कॉल्ड लोड पावर फैक्टर। तो अगर मैं बात करूं लोड पावर फैक्टर को, लोड पावर फैक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं कॉस फाई आर, दिस इज लोड पावर फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई कॉस फाई आर, या फिर बेटा लोड पावर फैक्टर ही आपका क्या कहलाता है बेटा, रिसीविंग इन पावर फैक्टर कहलाता है, दिस इज रिसीविंग इन पावर फैक्टर। अब आप देखेंगे अगर मैं बात करूं लोड का टर्मिनल वोल्टेज VR है, लोड का टर्मिनल करंट IR है, तो आप देखेंगे अगर आपको बेटा किसी लोड का टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट मालूम है तो लोड कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज VI कंजुगेट, ठीक है। अगर किसी भी लोड की आपको टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट मालूम है, सिंगल फेज लोड है क्योंकि पर फेज डायग्राम है, तो पावर कंज्यूम बाय द लोड क्या होगा, VI कंजुगेट। V रिप्रेजेंट करेगा लोड का टर्मिनल वोल्टेज और I रिप्रेजेंट करेगा बेटा लोड का टर्मिनल करंट। तो आप देखेंगे अगर मैं रिसीविंग इन का टर्मिनल वोल्टेज की बात करूं VR और रिसीविंग करंट कितना है IR, तो रिसीविंग इन की पावर क्या हो गई VR IR कंजुगेट। अगर मैं लोड की पावर की बात करूं तो लोड का टर्मिनल वोल्टेज भी कितना है VR और लोड का टर्मिनल करंट कितना है IR। तो अगर लोड की आप जो है टोटल कॉम्प्लेक्स पावर की बात करेंगे तो होगा VR इंटू IR कंजुगेट। तो आप देखेंगे लोड का टर्मिनल वोल्टेज, लोड का टर्मिनल करंट, लोड का टर्मिनल वोल्टेज और लोड का टर्मिनल करंट और रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग इन का टर्मिनल वोल्टेज और रिसीविंग इन का टर्मिनल करंट दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। तो बेटा जो भी आपकी रिसीविंग इन पावर होगी वो सारी की सारी पावर किसके बराबर होगी बेटा, लोड की पावर। तो आप देखेंगे रिसीविंग इन पावर इज नथिंग बट द लोड पावर, क्योंकि आप देखेंगे रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट, लोड वोल्टेज और लोड करंट, ठीक है, दोनों ही क्या है, बराबर है। तो जितनी पावर बेटा रिसीविंग इन के पास आएगी वो सारी की सारी पावर कौन कंज्यूम कर लेगा, लोड कंज्यूम कर लेगा। तो जनरली बोला जाता है बेटा लोड पावर इज नथिंग बट इक्वल टू द रिसीविंग इन पावर। तो कभी भी आपको रिसीविंग इन पावर दी जाए, मतलब आपको लोड पावर दे रहा है या फिर लोड पावर बोल रहा है, तो यू कैन बी कंसिडर दैट इज द रिसीविंग इन पावर विल बी देयर, क्योंकि लोड का टर्मिनल वोल्टेज और लोड का टर्मिनल करंट, रिसीविंग इन का टर्मिनल वोल्टेज और रिसीविंग इन का टर्मिनल करंट दोनों ही क्या है, बराबर है। तो जितनी पावर बेटा रिसीविंग इन पे फ्लो करके आएगी वो सारी की सारी पावर कौन कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि दोनों पावर क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो हमेशा बोला जाता है लोड की क्वेश्चन में लोड पावर देगा तो आपको समझ जाना है दैट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर की बात करने वाला है, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ योर नॉमिनल टी मॉडल। अब आप देखेंगे पहला चीज जो है, जो नॉमिनल टी मॉडल में आपसे पूछेगा कि नॉमिनल टी मॉडल के ABCD पैरामीटर क्या होते हैं, तो आप देखेंगे जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आप एसी ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं, तो हमेशा कैलकुलेशन में एसी के केस में हर एक एलिमेंट क्या ऑफर करता है, इंपीडेंस ऑफर करता है, तो हमेशा आप इंपीडेंस और एडमिटेंस यूज करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे फिगर में जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन के टोटल इंपीडेंस को, वेयर लिख देता हूं बेटा, वेयर जेड रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस, और जिसकी वैल्यू होगी जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल, या फिर आप बोल सकते हैं ओमेगा एल क्या होगा बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड आर प्लस जे एक्स, ठीक है। और वहीं पर बेटा जो एडमिटेंस है, संट एडमिटेंस, वो बेटा ये वाई किसको रिप्रेजेंट कर, लाइन का टोटल संट एडमिटेंस, और संट एडमिटेंस किसकी वजह से आ रहा है बेटा, कैपेसिटर की वजह से, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो संट एडमिटेंस है वो कैपेसिटेंस की वजह से आता है, टोटल कैपेसिटेंस की वजह से, टोटल संट एडमिटेंस कितना होगा बेटा जे ओमेगा सी। तो बेटा जेड रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और बेटा वाई रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल संट एडमिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, टोटल संट एडमिटेंस ऑफ
ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, चलो अब आप यहां से पहला चीज जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा नॉमिनल टी मॉडल में एबीसीडी पैरामीटर, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा आपको रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट आपको दिया होता है और सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट आपको निकालना होता है। तो आप देखेंगे सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट निकालने के लिए आपको किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम होने चाहिए। तो ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एबीसीडी पैरामीटर ऑफ नॉमिनल टी मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो कैलकुलेशन ऑफ एबीसीडी पैरामीटर ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, एबीसीडी पैरामीटर ऑफ नॉमिनल टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन तो अगर मैं बात करूं नॉमिनल टी मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर, मैंने आपको बेटा बता चुका हूं क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं आपके नॉमिनल टी मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर कितने होते हैं, तो एबीसीडी पैरामीटर में अगर मैं बात करूं ए पैरामीटर कितना होता है बेटा, दैट इज 1+YZ/2। नाउ बी पैरामीटर कितना होता है बेटा, जेड, दैट इज 1+YZ/4। सी पैरामीटर कितना होता बेटा, दिस इज वाई। और बेटा डी पैरामीटर कितना होता है, 1+YZ/2। तो बेटा ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप जो है अपने नॉमिनल टी मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर निकालेंगे तो ए पैरामीटर कितना आता है बेटा, 1+YZ/2। बी पैरामीटर कितना होता है, जेड, 1+YZ/4। सी पैरामीटर कितना होता है, वाई के बराबर। और डी पैरामीटर होता है 1+YZ/2। ठीक है, और इस एबीसीडी पैरामीटर में वाई रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन का टोटल संट एडमिटेंस और बेटा जेड रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन का टोटल सीरीज इम्पीडेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे नॉमिनल टी मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो एबीसीडी पैरामीटर को देख के आप बता सकते हैं कि नॉमिनल टी मॉडल कैसे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल, सिमेट्रिकल किया सिमेट्रिकल या फिर रेसिप्रोकल या फिर नॉन रेसिप्रोकल। तो अगर आप बात करेंगे इन नॉमिनल टी मॉडल में जो ए पैरामीटर होता है वो किसके बराबर होता है, डी पैरामीटर को, और कितना होता है बेटा, 1+Z/2। यहां से आप बोल सकते हैं चूंकि नॉमिनल टी मॉडल में ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर है, सो दैट नॉमिनल टी मॉडल इज ए सिमेट्रिकल नेटवर्क को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दूसरा बात करेंगे, चूंकि आप देखेंगे कि जो नॉमिनल टी मॉडल है या फिर मीडियम ट्रांसमिशन का नॉमिनल टी मॉडल है वो आरएलसी जो कि पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट से मिलके पैसिव नेटवर्क बनेगा। अगर नेटवर्क आपका पैसिव तो 100% कैसा होगा, रेसिप्रोकल। तो अगर मैं नॉमिनल टी मॉडल की मुझे एबीसीडी पैरामीटर मालूम है और अगर आप एडी माइनस बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करें नॉमिनल टी मॉडल में तो ये कितना आएगा, 1। सो दैट नॉमिनल टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन रिप्रेजेंट ए रेसिप्रोकल नेटवर्क। कैसे नेटवर्क को बेटा रिप्रेजेंट करता है, रेसिप्रोकल नेटवर्क को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। और आप देखेंगे अगर आपको नॉमिनल टी मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो आप सेंडिंग इन वोल्टेज और आप सेंडिंग इन करंट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सेंडिंग इन वोल्टेज बेटा कितना होगा, Vs इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा AVR+BIR। और अगर मैं सेंडिंग इन करंट की बात करूं, सेंडिंग इन करंट बेटा कितना होगा, CVR+DIR। तो कभी भी आपसे जो है नॉमिनल टी मॉडल में सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट अगर आपसे पूछे तो सेंडिंग इन वोल्टेज होता है बेटा
AVR plus BIR और sending in current कितना होता बेटा CVR plus DIR, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो ABCD पैरामीटर है, इन जनरली जो है बोला जाता है जो ABCD पैरामीटर होते हैं जनरली कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। अगर ABCD पैरामीटर जनरली कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती हैं तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा फेज होगा। यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखेंगे जो ABCD पैरामीटर होते हैं, आप देखेंगे अगर मैं नॉमिनल टी मॉडल का ए पैरामीटर की बात करूं कितना 1 + YZ/2, और आप देखेंगे इंपीडेंस और एडमिटेंस कैसे वैल्यू है बेटा, इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस और एडमिटेंस कैसे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरली बोला जाता है जो ABCD पैरामीटर होते हैं जनरली कैसी क्वांटिटी होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होते हैं। आप देखेंगे ए पैरामीटर है 1 + YZ/2, ठीक है। Y और Z कैसे नंबर है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप रियल नंबर ऐड करेंगे तो फिर से कैसे नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। B पैरामीटर भी आपका क्या है बेटा, इंपीडेंस। आप देखेंगे नॉमिनल टी मॉडल के जब मैंने B पैरामीटर निकाला तो वो भी बेटा किस पे डिपेंड करा है, इंपीडेंस और एडमिटेंस पे डिपेंड करा है। इंपीडेंस और एडमिटेंस आपके कैसे नंबर होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सी की बात करेंगे, सी जो कि एडमिटेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और डी पैरामीटर भी जनरली कैसा है बेटा 1 + YZ/2। तो ये बेटा मैं जो है केवल नॉमिनल टी के नहीं बोल रहा, जितने भी एबीसीडी पैरामीटर होते हैं वो आपके जनरली कैसी क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। जैसे आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ए पैरामीटर था 1, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं 1 ∠0° लिख सकते हैं। बी पैरामीटर इंपीडेंस के बराबर था जो कि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। सी पैरामीटर 0 था, 0 को आप लिख सकते हैं 0 ∠0 विल बी देयर, अगेन दिस इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। और डी पैरामीटर कितना आया था, दैट इज इक्वल टू 1 विल बी देयर, तो वहां भी आप क्या कर सकते हैं 1 ∠0°। तो आप देखेंगे जनरली आप जो है जो आपके एबीसीडी पैरामीटर होते हैं वो कैसी क्वांटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो दैट इज हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड फेज आल्सो, ठीक है। तो यहां पर बेटा एक नोट करके हम लोग लिखने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट में नोट लिखने वाले हैं कि जनरली जो है जो एबीसीडी पैरामीटर है, इन जनरल द एबीसीडी पैरामीटर आर द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो दे विल बी हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड फेज विल बी देयर, ठीक है। तो आप देखेंगे जब मैं आपको पावर फ्लो पढ़ाऊंगा ट्रांसमिशन लाइन में, तब मैं यहाँ पर आपके जो एबीसीडी पैरामीटर हैं वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होते हैं, इसलिए उनको मैग्नीट्यूड और फेज फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नोट करके लिखेंगे बेटा एक, इन जनरल द एबीसीडी पैरामीटर ए बी सी डी पैरामीटर्स आर रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, आर रिप्रेजेंट्स एन कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, आर रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। इन जनरल एबीसीडी पैरामीटर आर रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दैट इज दे हैव, अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एबीसीडी पैरामीटर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इनके पास इनका मैग्नीट्यूड भी होगा फेज, दैट इज दे आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज आल्सो। तो ये बेटा जो एबीसीडी पैरामीटर है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसलिए ये मैग्नीट्यूड भी रखेंगे और इनका कुछ ना कुछ फेज भी होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉमिनल टी मॉडल में जो ए पैरामीटर होता है, ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट चीज है, जनरली आपको बोला जाता है
कि नॉमिनल टी मॉडल में जो ए पैरामीटर होता है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप देखेंगे जनरली जो है जो ए पैरामीटर है या फिर बी पैरामीटर, सी या फिर डी, जितने भी पैरामीटर हैं, ए बी सी डी पैरामीटर है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो इनके पास इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और फेज एंगल भी होगा। तो यहां पर मैं एक कैलकुलेशन करने वाला हूं कि नॉमिनल टी मॉडल में जो ए पैरामीटर है जो कि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। ठीक है, उससे हम लोग एक आगे चल के एक रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेरेंटी इफेक्ट। वो क्यों होता है, इसलिए होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है नेक्स्ट बेटा अपने पास एक हेडिंग होने वाली है, यहां पर मैं बेटा लिख देता हूं लोड पावर फैक्टर, यहां पर लिख देता हूं बेटा क्योंकि वहां पर मेरे पास जगह नहीं है, लोड पावर फैक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं कॉस फाई आर से, और बेटा इसी को आप बोलते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ए व्हाट, रिसीविंग इन पावर फैक्टर। ठीक है, cos phi r को आप लोड पावर फैक्टर बोलते हैं या फिर रिसीविंग इन पावर फैक्टर बोलते हैं, बात क्या है, सेम है बेटा। नेक्स्ट हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ ए पैरामीटर मैग्नीट्यूड इन नॉमिनल टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल टी मॉडल में आप ए पैरामीटर जानते हैं कितना आता है, तो इन नॉमिनल टी मॉडल जो ए पैरामीटर होता है बेटा, दैट इज ए पैरामीटर होता है बेटा 1 प्लस वाई जेड बाई टू। आप देखेंगे जो ए पैरामीटर है वो इंपीडेंस और एडमिटेंस पर डिपेंड कर रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो ए भी कैसा क्वांटिटी है बेटा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है कि नॉमिनल टी मॉडल में जो ए पैरामीटर है 1 प्लस वाई जेड बाई टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। आप देखेंगे जब मैं आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा रहा था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मैंने लाइन का जो टोटल इंपीडेंस निकाला था वो बेटा कितना निकाला था, आपको देखेंगे कि मैंने सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें आपने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो सीरीज इंपीडेंस था वो निकाला था 20.8 और एंगल निकाला था 73.33। ठीक है, तो आप देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कराया था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ आपकी 80 किलोमीटर से कम होती है, और आप देखेंगे जब आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जब जो है टोटल सीरीज इंपीडेंस निकालेंगे तो टोटल सीरीज इंपीडेंस आपका जो है 20 या फिर 30 ओम के आसपास आता है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा क्योंकि यहां पर मुझे ए पैरामीटर निकालने के लिए आपको इंपीडेंस और एडमिटेंस कुछ ना कुछ मानने पड़ेंगे, तो कितना हम मान सकते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहां पर दिखाने वाला हूं कि जो ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड है नॉमिनल टी मॉडल में किस रेंज पे होता है। तो इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैंने जो टोटल सीरीज इंपीडेंस आपको निकाला था बेटा, टोटल सीरीज इंपीडेंस आपको निकलाया था कितना था बेटा 20.8 और एंगल कितना था बेटा 73.33 डिग्री। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में निकलाया हुआ था, आप देखेंगे, और बेटा ये किस में था, ओम में था। आप देखेंगे एंगल आपका जो है 73.33 आ रहा था, 90 डिग्री के आसपास आ रहा था। क्यों आता है, क्योंकि आप ट्रांसमिशन लाइन में जो बेटा रिएक्टेंस होता है या फिर इंडक्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस से क्या होती है बेटा, काफी ज्यादा होती है, मतलब जो है लाइन का जो टोटल सीरीज रिएक्टेंस होता है उसकी वैल्यू लाइन के टोटल रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा होती है। तो जब आप एंगल निकालेंगे तो एंगल क्या होगा बेटा, इंपीडेंस का एंगल निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स बाई आर आता है, एक्स की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा है, तो एंगल हमेशा जो है आपका जो है क्या होगा बेटा,
45, अगर देखें x और y दोनों बराबर होंगे तो एंगल 45 डिग्री, चूंकि x की वैल्यू y से काफी ज्यादा होती है तो ये जो एंगल है वो आपका जो है 70 से 80 डिग्री के आसपास या फिर 85 डिग्री के आसपास आता है, क्योंकि आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में आप जो है रेजिस्टेंस वैल्यू जितनी कम रखेंगे उतना ही आपका लाइन में लॉसेज कम होंगे। और आप देखेंगे जो भी आप पावर सेंड कर रहे हैं सेंडिंग एंड से, आपका मेन मोटिव है मोस्ट ऑफ द पावर कहां पर ट्रांसमिट होनी चाहिए बेटा, रिसीविंग एंड में ट्रांसमिट होनी चाहिए, इसलिए लाइन का जो रेजिस्टेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू इंडक्टेंस के टर्म में बहुत कम होती है। अगर लाइन का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के इंडक्टेंस के टर्म में बहुत कम होता है तो लाइन का जो है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है दैट इज ए वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस इन द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस को हम लोग कितना मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जो लाइन की लेंथ है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से ज्यादा होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका इम्पीडेंस है वो 20 ओम के आसपास आ रहा है। आप देखेंगे जनरली जो है जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 40 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, अगर 40 या 50 किलोमीटर के आसपास होती है, 40 से 50 किलोमीटर में आपका जो इम्पीडेंस है 20 के आसपास आ रहा है तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन की लेंथ है वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और आपका जो है 240 किलोमीटर से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 किलोमीटर मान लेता हूं, तो अगर बेटा 40 किलोमीटर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसका इंपीडेंस आपका आ रहा है बेटा 20 ओम, तो अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करूं, अगर 100 किलोमीटर की लाइन है तो जो लाइन का जो टोटल सीज इंपीडेंस है वो कितना होने वाला है बेटा 50 ओम के आसपास होने वाला है। तो जनरली जो है जब आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज इंपीडेंस को निकालते हैं, चूंकि आप देखेंगे अगर आप जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी, अगर लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो लाइन का इंपीडेंस भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन का इंपीडेंस है वो 50 से लेके 80 ओम के आसपास आता है। ठीक है, तो जनरली यहां पर मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लाइन की लेंथ बेटा मैं यहां पर 100 किलोमीटर की मान के चल रहा हूं, अगर लाइन की लेंथ आपकी 80 किलोमीटर से ज्यादा हो, 240 किलोमीटर से कम है तो लाइन किस कैटेगरी में आएगी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे आप लाइन की लेंथ बढ़ा देंगे तो आपका जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और इंपीडेंस भी, आपका रिएक्टेंस रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और लाइन का इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके लाइन का टोटल इंपीडेंस भी बढ़ जाएगा। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन का जो इंपीडेंस होता है वो 25 से 80 ओम के आसपास आता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं मान लेता हूं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन का जो इंपीडेंस है कितना मान लेता हूं बेटा 50। ठीक है, अब आप देखेंगे लाइन की जब आपकी लेंथ बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे अगर फेज एंगल निकालेंगे इंपीडेंस का एंगल क्या होगा tan इनवर्स x / r, लेंथ बढ़ने से रिएक्टेंस और ज्यादा हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे आपका जो लाइन का इंडक्टेंस या फिर रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ेगा तो आपका जो एंगल होगा सीरीज इंपीडेंस उसका एंगल भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में 73.33 आ रहा था, अगर मैं लाइन की लेंथ बढ़ा दूंगा तो आपका जो इंपीडेंस का एंगल है वो भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे जब आप लाइन की लेंथ बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस, तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की तुलना में ज्यादा होगा तो आपका जो एंगल है टेन इनवर्स एक्स बाई आर, एक्स की वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ी एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस तो एंगल भी आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है इस एंगल को जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 73.33 से बढ़ा के कितना मान सकता हूं 80 डिग्री। तो फॉर एग्जांपल एनालिसिस आपको समझाने के लिए आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो इंपीडेंस था वो 20.8 था, एंगल 73.3 था, मीडियम ट्रांसमिशन में लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी तो आपका इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में मैंने जो इंपीडेंस है वो कितना मान लिया 50 एंगल
80 डिग्री, इतना ओम कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसी रेंज पे आता है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज मैं दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे, एक तो मुझे इंपीडेंस कंसीडर करना था, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे इंपीडेंस चाहिए था, क्योंकि आपका जो इंपीडेंस और एडमिटेंस कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसलिए इंपीडेंस को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, दैट इज मैग्नीट्यूड और फेज फॉर्म में लिखा है। आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन का टोटल एडमिटेंस है वो किसकी वजह से आता है, दैट इज कैपेसिटर की वजह से। टोटल संट एडमिटेंस कितना होता है, जे ओमेगा सी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका संट ब्रांच होती है, संट ब्रांच में जो चार्जिंग करंट फ्लो करता है वो कैसा होता है बेटा, स्मॉल। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो चार्जिंग करंट होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, निगलेक्ट कर देता हूँ, इसलिए कैपेसिटर के इफेक्ट भी वहां क्या हो जाता है, निगलेक्ट। लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो है जो चार्जिंग करंट होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वेरी वेरी स्मॉल दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, बट आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो चार्जिंग करंट है, जो संट ब्रांच से करंट है, दैट इज ए स्मॉल, कंसिडरेबल रेंज में होता है तो आप इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन कैसा होता है, स्मॉल। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, इन द मीडियम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन दैट इज चार्जिंग करंट इज स्मॉल, और इन द कंसिडरेबल रेंज, इन द कंसिडरेबल कंसिडरेबल रेंज, केवल कंसिडरेबल रेंज में होता है, या फिर आप मान सकते हैं कैसा होता है, स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल नहीं लिखा मैंने, लिखा स्मॉल होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर आप चार्जिंग करंट निकालेंगे तो चार्जिंग करंट क्या होता है बेटा, आपको ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है, वोल्टेज भी आप यहां पर कंसीडर करें, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं VC मान लेता हूं। ध्यान से देखिए बेटा, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको आपने किससे प्रिंट कर दिया बेटा, VC से। तो अगर आप इस चार्जिंग करंट को निकालें, दैट इज चार्जिंग करंट इज इक्वल टू शंट ब्रांच का एडमिटेंस मान लेते, तो चार्जिंग करंट क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एडमिटेंस। ठीक है, आप देखेंगे दैट इज करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एडमिटेंस। करंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एडमिटेंस। ठीक है, अब आप देखेंगे जो चार्जिंग करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एडमिटेंस। तो यहां से आप लिख सकते हैं जो संट ब्रांच होती है उसमें जो चार्जिंग करंट फ्लो करता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस। ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस। आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो चार्जिंग करंट होता है वो स्मॉल होता है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो एडमिटेंस मैं कंसीडर करूंगा वो भी कैसा होता है, कम होता है। आपका जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट स्मॉल होता है तो एडमिटेंस जो मैं कंसीडर करूंगा वो भी कैसा होता है, स्मॉल होता है। और आप देखेंगे लाइन का जो टोटल एडमिटेंस है वो किसकी वजह से आता है, कैपेसिटर की वजह से। लाइन का जो टोटल एडमिटेंस है दैट इज इक्वल टू कितना होगा, जे ओमेगा सी। That is, तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन चार्जिंग करंट स्मॉल होता है जिसकी वजह से एडमिटेंस कैसा होगा, कम होगा। अगर एडमिटेंस कम होगा तो आप जो है देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू कैसी होती है, स्मॉल होती है। तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो भी आप कैपेसिटर कंसीडर करते हैं उसकी वैल्यू कहती है वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द चार्जिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस एंड एडमिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट स्मॉल होता है, मतलब एडमिटेंस की वैल्यू काफी कम होती है, मतलब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की वैल्यू काफी कम होती है। तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जब आप कैपेसिटर कंसीडर करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू काफी स्मॉल कंसीडर करेंगे। आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यहां पर कैपेसिटर लगा नहीं होता, यहां पर हम लोग कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं। आप देखेंगे जब आप नेटवर्क में क्वेश्चन करते थे तो जब आप कैपेसिटर लगाते थे फिजिकली कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता था तो कैपेसिटर आप जनरली किस में मानते थे, माइक्रो फैराड में मानते थे। यहां पर मैंने फिजिकली कैपेसिटर नहीं लगा है, यहां पर कैपेसिटेंस इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर फिजिकल कैपेसिटर लगा होता है तब तो आप उसको माइक्रो फैराड में लेते, लेकिन जब आप यहां पर कैपेसिटिव इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं
तो आप जो है इस कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफेरेड से भी कम कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो जनरली अगर कैपेसिटर लगा होता है तब तो कैपेसिटर माइक्रोफेरेड में होता है, लेकिन यहां पर कैपेसिटर से कंसीडर किया है, लगा नहीं है आप, तो आप उसको कंसीडर कर रहे हैं, मतलब यहां पर जो कैपेसिटेंस होगा माइक्रोफेरेड से भी कम उसमें रेंज पे होने वाला है। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट कम होता है, इसलिए कैपेसिटेंस भी कम होता है। ये जो कैपेसिटेंस है ये आपका फिजिकली आपने लगाया नहीं है, आपने कैपेसिटी से कंसीडर, अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटर लगाता तब तो उसको माइक्रोफेरेड में लिखता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने जो कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर कैपेसिटर लगाया नहीं, कैपेसिटर कंसीडर करें, मतलब आप जो है फिजिकल से भी कम वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटर होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और किस रेंज में होता है बेटा, नैनो फैरेड में होता है, ठीक है। किस में होता बेटा, नैनो फैरेड में होने वाला है। तो जब भी आप जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे जब कैपेसिटेंस आपको दिया होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, वो किस में होगा, नैनो फैरेड में होने वाला है। तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आप ए पैरामीटर निकालने जा रहे थे, ए पैरामीटर के लिए आपको इंपीडेंस और एडमिटेंस की जरूरत थी। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का फॉर एग्जांपल आपने इंपीडेंस कितना कंसीडर कर लिया, 50 एंगल 80 डिग्री, बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल क्वांटिटी ली है बेटा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर 40 किलोमीटर की लाइन है 20 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करे, अगर लाइन की लेंथ मैंने 100 किलोमीटर मान ली है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, तो आपका जो है जो लाइन का इंपीडेंस होगा 50 होगा, चूंकि लाइन की लेंथ बढ़ गई है इसलिए आपका जो है एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 73 से कितना मान लिया, 80 मान लिया। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चूंकि चार्जिंग करेंट कम होता है तो एडमिटेंस कम होगा, तो कैपेसिटर भी कम होता है, जो कि किसमें होता है बेटा, नैनो फैरेड में होने वाला है, ठीक है। तो चलो यहां पर बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है तो बेटा इस चीज को यहां पर मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी कंसीडर कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू काफी स्मॉल होती है, और जनरली जो है आप कैपेसिटेंस इफेक्ट कंसीडर करें तो फिजिकल से भी कम कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि करंट बहुत कम होता है। तो आप देखेंगे अगर फिजिकली कैपेसिटर लगाते हो तो माइक्रोफेरेड में होता है, कैपेसिटेंस कंसीडर किया है आपने तो उससे भी कम वैल्यू होगी, किसमें होगा, नैनो फेरेड में होगा। तो फॉर एग्जांपल आई कैन बी कंसीडर, एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं, इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो कैपेसिटेंस होता है वो किसमें होता है बेटा, नैनो फेरेड। फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर कर लिया कितना बेटा, 15 नैनो फेरेड। और ये कैसा पैरामीटर होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरली कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप लम्ब्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल कंसीडर करते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पर यूनिट लेंथ डिफाइन होगा, मतलब पर किलोमीटर डिफाइन होगा। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो किसमें होता है, नैनो फेरेड। फॉर एग्जांपल मैंने 15 नैनो फेरेड पर किलोमीटर। नाउ द लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, द लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज कंसीडर, कितने किलोमीटर की मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर रहा हूं, इज कंसीडर द लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज कंसीडर 100 किलोमीटर, दैट इज 100 किलोमीटर, कंसीडर 100 किलोमीटर, दैट इज जो लेंथ है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की वो कितनी मानी है बेटा, 100 किलोमीटर। तो आप जो है लाइन का, अगर आपको लाइन की लेंथ मालूम है और पर किलोमीटर कैपेसिटेंस मालूम है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, तो टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। सो दैट द टोटल कैपेसिटेंस, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कितना होगा बेटा, टोटल कैपेसिटेंस दैट इज 1 किलोमीटर लेंथ का कैपेसिटेंस में, तो 100 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है बेटा, 15 नैनो फेरेड पर किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द लाइन, कितना आ जाएगा बेटा, 1500 नैनो फेरेड। दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। अगर आपको लाइन का टोटल कैपेसिटेंस मालूम है तो टोटल शंट एडमिटेंस निकाल सकते हैं। तो नाउ सो दैट टोटल शंट एडमिटेंस, टोटल शंट एडमिटेंस
एडमिटेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। टोटल एडमिटेंस दैट इज वाई टी कितना होगा बेटा, संट एडमिटेंस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में किसकी वजह से मिलता है बेटा, संट ब्रांच, और संट ब्रांच में क्या है कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, टोटल संट एडमिटेंस होता है जे ओमेगा सी टी। नाउ दिस इज जे, दैट इज ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ इंटू सी टी, सारी वैल्यू मालूम है। जनरली आप पावर लाइन में कितनी फ्रिक्वेंसी सिग्नल फ्लो कराते हैं 50 हर्ट्ज़, तो टोटल संट एडमिटेंस ट्रांसमिशन लाइन का आप कितना कंसीडर करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। दिस इज जे, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज़। नाउ टोटल कैपेसिटेंस कितना है बेटा 1500 नैनो, नैनो मतलब 10^9 फैरड, ठीक है। तो नाउ आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा आएगा दिस नंबर वाई टी इज इक्वल टू, दिस इज जे, और बेटा ये किसमें आएगा बेटा मो, या फिर आप इसको बोल सकते हैं किसमें आएगा बेटा ये सीमेंस, ठीक है। टोटल एडमिट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो नंबर है दैट नंबर इज कम 4710000 इंटू 10^-9, इतना मोह या फिर सीमेंस। तो अगर मैं टोटल एडमिटेंस की बात करूं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0.000471, दिस इज जे, एंड दिस इज नथिंग बट, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज 0.000471, एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, इतना मो या फिर सीमेंस। अगर बेटा मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं, 7 को ये हटा दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा 5, तो दैट इज इक्वल टू मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के जो टोटल संट एडमिटेंस है वो लगभग कितना होगा 0.0005 एंगल 90 डिग्री, इतना मो या फिर सीमेंस। तो आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं जितनी भी चीज़ें ली हैं प्रैक्टिकल ली हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपसे बोला जाए टोटल सीरीज इम्पीडेंस आप कितना मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किस रेंज में होता है 50 से लेके 80 ओम के आसपास होता है, और जो टोटल एडमिटेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, लगभग कितना होता है बेटा 0.005 मो या फिर सीमेंस के आसपास होता है। तो आप देखेंगे आपको निकालना था नॉमिनल टी मॉडल में अपने ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो ए पैरामीटर होता है नॉमिनल टी मॉडल में 1+YZ/2। अगर कभी भी आपसे बोला जाए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आप इम्पीडेंस कितना मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 50 ओम मान सकते हैं, और एडमिटेंस अगर आपसे बोला जाए तो एडमिटेंस आप हमेशा किस कितना मान सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल 0.005 मो या फिर सीमेंस, ठीक है। तो अब मैं चीजें आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या वैल्यू प्रैक्टिकली मानी जा सकती है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारा का सारा आप डाटा चेक कर सकते हैं, जो मैं डाटा आपको लिखा रहा हूं उसी रेंज पे आपका डाटा आने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे नॉमिनल टी मॉडल में मुझे क्या करना था बेटा, ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड निकालना था। नॉमिनल टी मॉडल में ए पैरामीटर आपका होता है 1+YZ/2। तो नाउ लेट अस कंसीडर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के ए पैरामीटर को निकालने के लिए किस रेंज पे होता मुझे इंपीडेंस